हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का गुरु नीति के आज केमिस्ट्री के 10th एपिसोड में। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ मैं अनुमान जांगिड। सर, आज अपन थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सर, थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन ओनली फॉर थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री की नहीं, जिसमें इक्वेशन लिखी हुई होती है और अपन को डेल्टा एच वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी बात नहीं। ओनली फॉर ऐसा बोलूं तो मैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले। ठीक है, मतलब सर थर्मोकेमिस्ट्री अपन इसके नेक्स्ट एपिसोड जो 11th आएगा वहां पे डिस्कस। बिल्कुल सर। तो सर करें स्टार्ट अपन अपने क्वेश्चंस। बिल्कुल सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अपन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, क्या बोलते हो सर? इसमें ये बोला गया है कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है सर। यस सर, स्टेट फंक्शन एक्चुअल में बेसिकली जो है सर, अपन ऐसा बोले कि कौन स्टेट फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन दो टाइप के होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है वो डिपेंड्स करे ओनली फॉर डिपेंड्स ऑन एक तो इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे। ये डिपेंड नहीं करे वो कौन से पाथ से होके गया है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, जैसे फिजिक्स में जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, स्टेट फंक्शन जो है एज ए डिस्प्लेसमेंट है। ओके ओके, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करे उसे स्टेट फंक्शन बोलते हैं। मैं अगर जनरलाइज ऐसा बोलूं सर कि अगर एक ये इनिशियल स्टेट है और ये अगर एक फाइनल स्टेट है, मैं अगर एक तो ऐसे होके गया और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आई F1, और एक ऐसे घूम के जाता हूं तो अगर ऐसे घूम के गया तो फंक्शन की वैल्यू आई F2। अगर F1 बराबर F2 आया, इसका मतलब वो पाथ के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही। अगर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन होगा, मतलब जो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट, चाहे ऐसे जाऊं तो भी इनिशियल आई है और फाइनल स्टेट एफ ही है। अगर F1 इज नॉट इक्वल टू F2 आता है तो इसका मतलब वो पाथ फंक्शन होगा, पथ फलन होगा, जो पथ पर निर्भर करता है। अगर ऐसे पथ से जाओगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी और ऐसे पथ से जाओगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी सर। ये होता है इसका लॉजिक स्टेट और पाथ फंक्शन का। केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें अपन थर्मोडायनेमिक्स में, तो 8 स्टेट फंक्शन आने वाले हैं। उन 8 स्टेट फंक्शन में सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो आप इक्वेशन लिखे PV=nRT, इसमें 4 पैरामीटर है, R कॉन्स्टेंट है, इसको आप रहने दें। तो इसके अलावा 4 फंक्शन बन रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ये 4 तो स्टेट फंक्शन ही हो गए। उसके अलावा पांचवा स्टेट फंक्शन जो होगा, जो पांचवा स्टेट फंक्शन होगा वो होगा एच, एंथैल्पी के लिए जो बिल्कुल एंथैल्पी। उसके बाद होगा इंटरनल एनर्जी ई, उसके अलावा जो होगा वो गिब्स फ्री एनर्जी जी, और एक होगा एंट्रोपी। ये टोटल 8 स्टेट फंक्शन हैं। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि हाँ ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो दे रखा है सर Q+W, अपन उसकी बाद में करेंगे। सेकंड है Q, वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन नहीं है, इसने नॉट स्टेट फंक्शन ही पूछा है। हाँ। तो मतलब सेकंड तो आएगा। तो इसका मतलब W सर जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, W भी स्टेट फंक्शन नहीं होता है। तो थर्ड भी आना चाहिए, सेकंड और थर्ड तो होने ही चाहिए। तो सर इसका मतलब मैं ये ऑप्शन ये नहीं होगा हटा दूं। अब सर Q+W जो है, Q+W फर्स्ट लॉ को अगर अप्लाई करें तो Q+W जो होता है वो E को रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, और इंटरनल एनर्जी सर यहाँ पे जो है वो स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेट फंक्शन है, तो फर्स्ट भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली ये हो गया, सेकंड थर्ड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। तो अब अगर अपन आगे बात करें H-TS, तो ये रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी जी को, और वो अपना गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है। तो सर अपना ये फोर्थ भी नहीं होना चाहिए, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड और थर्ड ओनली फोर्थ। तो सर इसका मतलब आपने कंप्लीट स्टेट फंक्शन और कौन से 8 हैं जो आपने सारे डिस्कस कर लिए। बिल्कुल सर, इसके अलावा वो स्टेट फंक्शन है नहीं, और इनके अलावा जो भी होगा वो पाथ फंक्शन। ओके ओके, चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, साथ में लिखना है मात्रात्मक गुण नहीं है। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से अपन मात्रा स्वतंत्र गुण की बात कर रहे हैं। मात्रा स्वतंत्र गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करूं। जैसे मान लीजिए अपन ने एक चैम्बर बना रखा है, इस चैम्बर में अभी मान लीजिए टेम्परेचर टी है। बिल्कुल सर। इस चैम्बर को यदि मैं दो भागों में बांट देता हूँ, बिल्कुल सर, अब इन दोनों चैम्बर जो भाग है उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा या सेम होगा? तो अपन बात कर रहे हैं सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, मतलब साइज पे और मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अपना ये जो टेम्परेचर है वो मात्रा स्वतंत्र गुण हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी की जगह जैसे मान लीजिए मोल ले, तो मोल अभी अपने पास पूरे चैम्बर में जो है, जैसे ही अपन ने मोल को डिवाइड किया तो मोल में चेंजेस आएगा,
जिसमें चेंजेस आए, जो साइज पे डिपेंड कर रहा है, जो मात्रा पे डिपेंड कर रहा है, वो अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मात्रा स्वतंत्र गुण होता है, और जो अपना साइज पे और मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा स्वतंत्र गुण बोलते हैं। तो सर यहाँ से अपन को डायरेक्टली पता लग रहा है कि अपना टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, मात्रा स्वतंत्र गुण आएगा, क्योंकि बाकी अपन वॉल्यूम, मोल और एंथैल्पी तीनों के केस में बात करें तो तीनों अपन को पता है साइज से डिपेंड करेगा, जैसे ही अपन ने साइज और मात्रा को चेंज किया तो इनकी वैल्यू वेरी करेगी। सही बात है सर। ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूँ सर मैं कि अगर अपन को चेक करना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप जैसे अगर एक रूम लिया और उसको डिवाइड करें पार्ट में, अगर पूरे रूम के लिए प्रॉपर्टी और पर पार्ट के लिए अगर प्रॉपर्टी अगर सेम रह जाती है तब तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अगर आपने इस रूम को अगर दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, तो पहले अगर नंबर ऑफ मोल एन आ रहे थे, मैंने दो इक्वल पार्ट में किया तो इधर भी एन बाई टू आएगा नंबर ऑफ मोल, इधर भी एन बाई टू, वॉल्यूम इधर वी बाई टू आएगा, इधर वॉल्यूम वी बाई टू हो जाएगा। प्रेशर की बात करूं मैं तो प्रेशर अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रेशर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर दोनों साइड में सेम रहेगा, ये बात होने वाली है। तो टेम्परेचर जो होगा वो तो होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल जो होगा वो आधे आधे होंगे, वॉल्यूम आधे आधे होंगे, तो ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। आप एक रूम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें, डिफरेंट पार्ट के लिए वैल्यू अगर पूरे रूम के लिए बराबर आ जाती है तो अपन उसे इंटेंसिव बोलेंगे, अदरवाइज एक्सटेंसिव बोलेंगे। चले सर आगे। बिल्कुल सर, इसका अपना आंसर हो गया है, फोर्थ आंसर आ गया है सर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वन मोल ऑफ Al4C3 रिएक्ट विद H2O इन एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वर्क डन इज। तो सर इसके लिए अपन बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात कर रहा है सर। वाटर से रिएक्शन करेगा तो CH4 बनेगा, CH4 मिथेनॉइड है ये एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है सर। तो CH4 बनेगा, तो अगर अपन एक जनरली वर्क डन की बात करें, बेसिकली आगे इसके ऊपर वर्क डन की प्रॉब्लम खूब सारी दे रखी है सर। अगर वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर की बात करनी है तो फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा -P एक्सटर्नल डेल्टा V। बिल्कुल सही बात। इसके ऊपर लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चन नीट में हर बार आ रहा है W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। आप यहाँ पे ये ध्यान रखें P एक्सटर्नल ही होना चाहिए, और डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम होगा, मींस V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उसमें P एक्सटर्नल जो होगा वो P गैस के बराबर हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अगर P एक्सटर्नल P गैस के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में W जो रिवर्सिबल, ये जब रिवर्सिबल लिखे तभी बात होगी, तो W रिवर्सिबल हो जाएगा माइनस का P गैस इनटू डेल्टा V, और माइनस का P डेल्टा V को अपन जो है वो NR डेल्टा TB बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो P डेल्टा V, अगर PV इक्वल टू NRT लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल अगर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो वो NR डेल्टा T के भी बराबर हो सकता है, माइनस आगे लगा हुआ मैं माइनस लगा देता हूं। अगर इनरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर कभी बराबर नहीं होगा, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V होगा। अब अपन को यहाँ पे बोला गया है कि अपन इस वाले क्वेश्चन में जो अप्रोच करने वाले वो इसी टाइप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम रहेगा, जो कंटेनर अभी एक बार खुला है, इसलिए तो सर मेरे को इसमें शायद आई थिंक रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी, रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो सर मैं इसकी यदि रिएक्शन करूं तो जो ये अपने पास है Al4C3, इसकी जैसे ही अपन ने वाटर से रिएक्शन करवाई तो सर अपन को मिलने वाला है AlOH का थ्राइस, या AlOH होल थ्राइस बनेगा, प्लस मीथेन गैस जो अपन बात कर रहे हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 4 मोल 3 मोल CH4 हो जाएगा। यदि 12H2O ले लूं मैं तो ये सर यदि 4 होता है यहाँ पे तो सर यहाँ पे 3CH4 आ जाएगा। हाँ। और सर यहाँ पे यदि अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बस बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, मोल जो N है वो 1 मान के चल रहे हैं, 1 नहीं होगा सर, रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन को पता है। गैस की बात करें, ये गैस बनी है तो गैस सर एस्केप करेगी, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं चाहे वॉल्यूम में चेंज होगा, इस बार टेम्परेचर जो रहेगा वो मेंशन रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ अगर गैस के मोल में चेंजेस हुआ तो डेल्टा NgRT लग सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो पैरामीटर वेरिएबल होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। कर सकते हैं कि जब अपन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो N चेंज हो रहा होता है और प्रोसेस की त्रुटि, तो यहाँ पे अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो N को डेल्टा NG कर लिया, डेल्टा NG कर लो, और डेल्टा NG अपन यहाँ पे देखा तो सर ये यहाँ पे ये सॉलिड है ये लिक्विड है, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो डेल्टा NG 3 आ जाएगा, इसका 3 मोल आ जाएगा। तो सर डेल्टा NG मैं बोल सकता हूँ इस रिएक्शन में 3 मोल आएगा। अब यदि 3 मोल आएगा और उस फॉर्मूले में सर अपन यदि वैल्यूज पुट करें, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे सर, डेल्टा NG की वैल्यू माइनस का 3
आर चेक कर ले सर, आर जो है वो अपन को कैलोरी में देना है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, 2 होती है बिल्कुल, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन लेना ही है अपन को, ये तो केल्विन में ही पुट करना है, पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है, तो सर यहां से अपने पास -1800 केल्विन है, तो सर इसका मतलब अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट, फर्स्ट आंसर करेक्ट। इसी वाले क्वेश्चन में अगर सर ये क्लोज कंटेनर की जगह जो है सॉरी ओपन की जगह अगर क्लोज कंटेनर कर दिया, तो क्लोज कंटेनर करेगा उस समय वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं, तो सर डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो जैसे ही अगर इसने बोल दिया क्लोज कंटेनर है तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ये भी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये एक साथ दो ही क्वेश्चन है, एक बार ओपन कंटेनर है एक बार क्लोज कंटेनर है, जैसे ही क्लोज कंटेनर लिखेगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं, तो वी डेल्टा वी जीरो आएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, चले सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन वर्क डन इज, सर ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अपन ने पिछले बात किया, अभी अपन ने बोला था वर्क डन जो होता है वो एक तरीके से अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें पी एक्सटर्नल डेल्टा वी करेंगे मैग्नीट्यूड में माइनस साइन हट जाएगा, बिल्कुल सही, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो माइनस का एन आर डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ, अगर एन आर डेल्टा टी अगर अपन अप्लाई करें तो एन आर डेल्टा टी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल 1 है, R डेल्टा T 1 है, तो इसका मतलब ये R आ जाएगा। सर ये अपने मैग्नीट्यूड में बात की है क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन को पता लग रहा है कि यहाँ पे माइनस की बात नहीं हो रही, तो मैग्नीट्यूड में बात की है, R की वैल्यूज नहीं पुट करनी क्योंकि डायरेक्ट R में बात हो रही है, T या बेटा टेम्परेचर केल्विन का कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि चाहे केल्विन डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस चेक कर रहे हो तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहता है, तो सर इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। An ideal monoatomic gas follows the path A B C D A. The work done then complete cycle is. Sir, मेरे को जैसा याद आ रहा है कि अपन जब यदि ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में वर्क डन निकालना होता है तो जो कवर्ड एरिया है वो उसका वर्क डन हो जाता है सर। अगर सर इसको ये एक तो 2p कंसीडर कर ले यहाँ पे और यहाँ पे p है क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे v है और यहाँ पे 2v है जो अपने इनके एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरामीटर डिसाइड कर दिए है, तो सर यहाँ पे यदि अपन एरिया की बात करें तो एरिया की बात करेंगे सर, एरिया भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे बेसिकली अगर ऐसा बोलूं तो वर्क डन जो एबीसीडी का आएगा, एबीसीडी में जो वर्क डन आएगा वो ऐसा आएगा कि आप एबी के अलोंग चले पहले, तो वर्क डन ऑफ एबी, बिल्कुल सही बात है, प्लस वर्क डन ऑफ बी टू सी, प्लस वर्क डन ऑफ सी टू डी, प्लस वर्क डन ऑफ डी टू ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये चारों पाथ का आप अलग अलग कैलकुलेट कर ले और फिर उनको एड कर दे। अगर वर्क डन ए टू बी की बात करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर उस समय 2p रह गया, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया 2p माइनस का इनटू डेल्टा वी, सर वो वी आ जाएगा 2v माइनस वी, तो ये हो गया वी, तो ये आ गया माइनस का 2p, क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बी टू सी की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं इसे, सम आयतनी प्रक्रम बोलते हैं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, समदाबीय आइसोबारिक प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा वी जीरो होता है, और डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अपन वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मान रहे हैं, डेल्टा वी जीरो वर्क डन जीरो चला गया। अब सी टू डी की बात करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर एज ए पी रह गया, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा माइनस का पी, फिर अगर अपन डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी जो होगा फाइनल वॉल्यूम वी माइनस टू वी, तो माइनस का वी आएगा बेटा, तो ये याद रखना है जब इस साइड चल रहे हैं तो सी से डी चल रहे हैं अपन, तो ये वी फाइनल हो जाएगा और ये वी इनिशियल हो जाएगा, इस चीज का थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पी वी बन जाएगा, और ये वापस आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो गया, बिल्कुल, तो अगर अब इन चारों को अगर आपस में एड कर दिया जाए तो ओवरऑल बनेगा माइनस का पी वी, सर माइनस का पीवी, इसका मतलब अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपना ये तो हो गया, ये तो मैंने चारों स्टेप अलग अलग कैलकुलेट किए। अगर ऐसा डायग्राम बना के दे रहा है मेरे को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दे रहा है, तो उस समय आप ओनली फोर क्या करें, इसका एरिया जो कवर्ड एरिया है उसका एरिया कैलकुलेट करें, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना एरिया कवर करता है, तो इसका एरिया अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2p में से p गया p, और इधर वाली जो लेंथ आ रही है वो आ रही है v, p * v हो जाएगा। अब दिक्कत है बस साइन की, कि साइन क्या दिया जाए, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो उस कंडीशन में तो देना है नेगेटिव साइन, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव साइन,
ये तो अगर आपको शॉर्ट में बात करनी है तब डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर लिया और फिर साइड देना है। अदरवाइज अगर आप पूरे मेथड से जाते हो तो मेथड के अकॉर्डिंग तो लास्ट में जाके माइनस पीवी बना, तो मैंने रिजल्ट वहीं से लिखा है। जब अपने को शेडेड एरिया ऐसा दे दिया जाए जिसका एरिया अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो बेटर है अपन डायरेक्ट ये करें, बताई दिए क्लॉकवाइज के लिए माइनस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस, क्योंकि अपन इतना टाइम कंज्यूम करेंगे तो अपने लिए आगे क्वेश्चंस में टाइम देना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये तरीका पूरा डिटेल वाला तरीका है, तब लगा है जब आपको शेडेड एरिया इस तरीके से दिया है जिसका एरिया कैलकुलेट करना इजी नहीं है, उस केस में अपन वो बात करते हैं। बिल्कुल सही सर। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 100 डेसीमीटर क्यूब, देन द वर्क डन इज। सर जहां से मैं यहां देख रहा हूं, एक तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली की जब बात की जाती है तो सर वर्क डन का मैं डायरेक्टली इसमें एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 upon V1 या V final upon V initial। सही बात है सर। यहाँ पे यदि मैं values की put करने की बात करूँ तो यहाँ पे values देखें तो minus 2.303 n number of mole है, आज हमको 16 gram gas दी है तो मैं बोल सकता हूँ gram weight upon molecular weight, ये अपना n आ जाएगा। R यहाँ पे जूल से रिलेटेड बात कर रहा है तो R की वैल्यू 8.314, यहाँ पे अपन बात करेंगे 8.314 होगा। टेम्परेचर ऑलवेज टेक इन केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है ऑलरेडी 300, तो मैंने यहाँ पे ये 300 ले लिया, इनटू लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V फाइनल की अपन बात करें तो वो है 100 डेसीमीटर क्यूब और V इनिशियल की बात करें वो है 10। तो सर यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूं, हमें पता है लॉग 10 1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट अपना 1 हो चुका है। यहाँ से अब अपन इसको सॉल्व करें तो ये 16 ये 2 आ जाएगा और यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो ये 150 आ जाएगा। सर 2.303 into 8.314 approximate 20 होता है अगर डिफरेंस, और सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग जो है जीरो आना नहीं है, इन्फिनिटी आना नहीं, आंसर नेगेटिव में आना है। बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है तो सर अपन को डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, ये दोनों कैंसिल हो गए ये सारे, तो अपना सर यही आएगा और सॉल्व करेंगे तो अगर सॉल्व भी करोगे तो वो 20 के आसपास बनता है, 20 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 3000 के आसपास आंसर बनेगा, वो 20 बनता नहीं है तो आंसर 3000 से थोड़ा कम होना चाहिए, 3000 से कम है। अगर ऑप्शन भी दे रखे हो सारे नेगेटिव में दे रखे हो तो ऐसे चेक करना होता है। तो सर बेसिकली हाँ बिल्कुल आंसर सेकंड आएगा। अगर बेसिकली मैं बात करूं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। सेकेंड नंबर बात, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता तो डेल्टा टी भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, साथ में डी टी भी कॉन्स्टेंट रहे। डी टी कॉन्स्टेंट का मतलब ये अगर मैंने स्मॉल चेंज किया तो भी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। अगर जैसे अगर मैं ये ग्राफिकल बात करूं कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दे रखा है मैंने और मैंने ग्राफ ऐसा बना लिया तो टेम्परेचर को इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है तो सेम है, तो मेरे को ये तो लग रहा है डेल्टा टी तो इसमें ग्राफ में जीरो आएगा लेकिन इसका dT जीरो नहीं होगा, यहां से यहां चले आप तो टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये आइसोथर्मल ग्राफ नहीं है। तो आइसोथर्मल के लिए कंडीशन ये है कि डेल्टा टी जीरो साथ में dT भी जीरो रहना चाहिए, तो डेल्टा टी और dT दोनों जो रहे वो जीरो रहे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। सर डेल्टा टी और dT में डिफरेंस की अपन यदि मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें तो dT बहुत स्लाइटली डिफरेंस की बात कर रहे हैं सर अपन, और डेल्टा जो होता है वो एक लार्ज डिफरेंस के लिए टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट तो ये होगा, आगे भी आने वाला आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए अपन थोड़ी सी यहां बात कर लेते हैं। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी जीरो रहेगा फर्स्ट ऑफ थिंग। अगर इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका कोई भी अगर फॉर्मूला होता है या इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी, और इंटरनल एनर्जी अगर कॉन्स्टेंट होगी तो डेल्टा ई जीरो आए। अगर डेल्टा ई अगर जीरो आया तो अगर फर्स्ट लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो इस कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस का क्यू। बिल्कुल, अगर आपको W मालूम है तो इसका Q, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में अगर मेरे से ये पूछ लेता कि बताओ हीट कितनी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है तो मैं उसको प्लस में कर देता, माइनस में आया तो। एक तो ये तरीका रहेगा। अब मेरे को इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है, डेल्टा एच क्या होगा आइसोथर्मल में, तो डेल्टा एच होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ दी एनजी आरटी। डेल्टा एनजी वही है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल, तो डेल्टा ई मेरा जीरो है, ये प्रोसेस है तो उस कंडीशन में एनजी आर डेल्टा टी लिखना पड़ेगा।
प्रोसेस के केस में टेम्परेचर चेंजेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होगा और रिएक्शन होती है तो डेल्टा एनजी चेंज होता है, तो ये जीरो प्लस एनजी चेंज नहीं हुआ आर डेल्टा टी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ये डेल्टा एच जीरो है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा एच एंड डेल्टा ई जीरो होगा और क्यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। तो सर इसे अपना आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। बिल्कुल सर, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी बोल सकते हो। ये पूरी बात है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इनरिवर्सिबल हो, कौन सा भी प्रोसेस हो, ये सारी बातें एप्लीकेबल होगी सर। और बेटा ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने यूज कर रखा है जिसमें डेल्टा एच की अपन बात कर रहे हैं। ये रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल कैसा भी प्रोसेस हो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर इनरिवर्सिबल देता है तो वर्क डन कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक ही तरीका रहेगा, माइनस पी एक्सनल डेल्टा वी, और कोई तरीका नहीं है आइसोथर्मल में। और अगर आपको ऐसा बोल दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था माइनस 2.303 एनआरटी log 10 बेस पे v2 अपॉन v1 ये मेंशन है, ये ओनली फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए है। जब तक आपको ये नहीं बोला जाए रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है तब तक अप्लाई नहीं होगा। एक सर ये भी केस बन सकता है कि वैक्यूम में कितना कार्य होगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्वात में किया गया कार्य, तो निर्वात में पी एक्सटर्नल मेरे हिसाब से जीरो होना चाहिए क्योंकि निर्वात में अपन जो बात करते हैं पी एक्सटर्नल जीरो है, पी एक्सटर्नल जीरो है, तो उस केस में अपन हमेशा बोलेंगे कि वर्क डन जो रहेगा वो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। तो डब्ल्यू वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम में जो होगा वो वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार लगता छोटा सा है लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये सारे सर आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात होगी, कंप्लीट आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात होगी। चले सर आगे, चले सर आगे, चले। तो इस क्वेश्चन की अपने बात कर ली है, इसका अपना आंसर सेकंड ऑप्शन आ रहा है जैसा अपने भी ये फॉर्मूला लगा के चेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को पीवी प्लॉट्स फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आर गिवन इन द गिवन फिगर। तो अपन को प्लॉट ए एंड बी शूट करस्पॉन्डिंग टू, अपन को प्लॉट दिया हुआ है सर और गैसेस की बात कर रहा है। बिल्कुल सर। तो सर अपन इसमें ये बात करें, जब भी अपन को ग्राफ देखे और गैसेस की बात करें तो अपन स्लोप चेक कर लेते हैं सर। बिल्कुल, स्लोप भी चेक करनी पड़ेगी। तो सर स्लोप चेक करें तो मेरे ख्याल से सर जो बी वाला कर्व है उसका स्लोप ए के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और सर एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन जो स्टेट फंक्शन काम में लेते हैं अपन बोलते हैं पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस में सर रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ थिंग अगर मैं बात बोलूं पीवी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो पीवी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। और सर इधर जैसे ही अपन इसको डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं तो अपन को पता लग जाता है कि जो स्लोप है वो गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। स्लोप जो आएगी वो माइनस गामा इनटू पी बाय वी आएगा। बिल्कुल, तो सर यहां से अपन बोल सकते हैं कि स्लोप गामा के प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, तो इसका मतलब यदि इसका स्लोप ज्यादा है मैं ये बोल दूं स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, तो इसका मतलब गामा जो है वो बी का ज्यादा होना चाहिए, गामा बी का ज्यादा होना चाहिए। अब अपन को सर गैसेस के लिए गामा चेक करने पड़ेंगे कि किसका गामा कितना होता है। तो सर मेरे ख्याल से अपन बात करें तो हीलियम के लिए तो गामा मोनो एटॉमिक है सर, मोनो एटॉमिक है तो 1.6 हो जाएगा, 1.67। तो हीलियम के लिए तो अपन बात कर रहे हैं गामा की तो ये हो जाएगा 1.67। और ऐसे ही गामा यदि ऑक्सीजन की बात करें डाइएटॉमिक की बात करें डाइएटॉमिक गैस की बात करें तो वो सर 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा 7/5। तो सर बी का गामा ज्यादा है इसका मतलब सर यदि अपन बात करें तो हीलियम तो हो जाएगी बी, हाँ ये बी हो जाना चाहिए, और सर ये हो जाएगा अपना ए, सही बात है सर। तो सर अब अपन को इसमें चेक करना है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली की बात कर रहा है तो इसका मतलब ए जो है वो डाइएटॉमिक होनी चाहिए और बी मोनो एटॉमिक होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे तो ये मोनो एटॉमिक आ रही है ए, हाँ, और सर तो यहाँ पे अपन ये बात करें दो थर्ड वाला सही होगा क्योंकि ये डाइएटॉमिक है एक मोनो एटॉमिक, यहाँ पे तो दोनों के दोनों डाइएटॉमिक दे रखी तो ये नहीं होगा। तो सर अपना ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि स्लोप चेक करना है और स्लोप गामा के डायरेक्ट। सबसे बड़ी बात है स्लोप चेक करना आना चाहिए, आगे एक क्वेश्चन और आएगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ स्लोप जो चेक करते हैं जैसे अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो इसकी स्लोप जो है वो अभी जीरो है। बिल्कुल, इसकी स्लोप जीरो है। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इसकी स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या सर जो ग्राफ जितना वर्टिकल होगा या जितना खड़ा ग्राफ रहेगा उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। या जो ग्राफ जितना हॉरिजॉन्टल होगा या ज्यादा सोया हुआ रहेगा उसका स्लोप कम होगा। तो अपन सर ये भी बोल सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं कितना टिल्ट कर रहा है। बस आप यहीं पे चेक करो तो ये ग्राफ जो है वो आपको ऐसा खड़ा दिख रहा है और ये ग्राफ ऐसा होते हुए आ रहा है ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ बी वाला ग्राफ खड़ा ग्राफ है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर चले आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी चेंज इन टू टू सी प्लस थ्री डी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 19 किलो कैलोरी द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन। सर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशन की बात बिना सर अभी जो मैंने रिलेशन बोला था वही लगेगा यहाँ पे। तो सर अपन रिएक्शन की जब बात करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, आज केमिकल रिएक्शन की बात तो करते हैं डेल्टा एनजी आएगा, यदि प्रोसेस की बात करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता। यहाँ पे अपन यदि इनकी वैल्यूज को पुट करें और फाइंड आउट करें डेल्टा ई, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी आर टी। सही बात है सर, यहाँ से डेल्टा एच की अपन बात करें तो डेल्टा एच आपको दे रखा है 19 किलो कैलोरी, इसे किलो में ही चलने देते हैं, आगे के डेटा भी किलो में ही कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन किलो में बात कर रहा है। यहाँ पे डेल्टा एनजी फिर से वही बात है प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल हो गए सर, गैस के 5 और रिएक्टेंट के हो गए 3। तो सर यहाँ से अपने पास ये 2 आ गया, तो सर अपन ने ये 2 लिया, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होगी, दे भी रखी। और सर किलो में बात करें तो मैं इसको अपॉन में 1000 कर देता हूँ, जिससे अपना किलो इधर चल रहा था और किलो में टेम्परेचर केल्विन में हो गया 300 हो गया। तो सर यहाँ से मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो हटाई और यहाँ से 1.2 आ जाएगा सर। हाँ तो सर 19 माइनस 1.2 आया 17.8 किलो कैलोरी, 17.8 किलो कैलोरी आएगा। सर इसको मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा कई बार डेल्टा एच डेल्टा यू नहीं बोल के डायरेक्ट बोल देता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होता है और डेल्टा ई जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होता है। कई बार ये डायरेक्टली ये बोल देता है डेल्टा ई नहीं पूछ के, कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थोड़ा सा अपन को ये पता होना चाहिए। चले सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, When 1 mole of CO2 occupying volume 10 liter at 27 degree Celsius is expended under adiabatic condition, then temperature falls to 150 Kelvin. Hence, final volume is. Sir, यहाँ पे adiabatic reversible consider करना आपको। Adiabatic reversible consider करना। First of thing, इसके अंदर printing नहीं है। Adiabatic reversible process होगा। Okay, okay. So sir, adiabatic reversible process के लिए यदि मैं state function की सर बात करूँ, तो सर मैं डायरेक्टली एक ये ऐसा फॉर्मूला इसके लिए लगा सकता हूँ जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों केसेस में बात करें, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। सही बात है क्या सर? बिल्कुल सर, ये मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला वहीं से आया, PV raised to the power गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाली वैल्यू से। PV इज इक्वल टू P को आपने जो है वो T और V की टर्म्स में पुट कर दिया, वो अपन आइडियल गैस यूज करके अपन यूज कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT की बात कर रहे हैं। सर यहां से मैं थोड़ा सा यदि चीजें देख लूं तो सर पहले T1 अपने पास टेम्परेचर था 300 केल्विन, क्योंकि जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसे मैंने केल्विन में कर लिया, 300 केल्विन आ गया, वॉल्यूम V1 हो जाएगा 10 लीटर, वो 10 लीटर दिया है अपन को। T2 सर यहां पे 150 से केल्विन से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब 150 केल्विन हो गया, 150 हो गया, और V2 अपन को कैलकुलेट करना है। साथ में सर अपन को यहाँ पे गामा के लिए इन्फॉर्मेशन दिए CO2, दैट इज ट्राई एटॉमिक गैस, 3 एटम इसके अंदर, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा मुझे पता है 1.33 होता है। सही बात है सर? बिल्कुल सर। तो सर सारी वैल्यूज यदि मैं पुट करूं तो यहाँ पे आएगा 150 अपॉन 300 इज इक्वल टू 10 अपॉन V2, ये 1.33 माइनस 1। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ से मैं इसको बोलूं ये तो 1/2 आ गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन V2। सर इसको मैं जो 0.33 बचेगा इसको मैं 1/3 लिखना चाहिए, 4/3 होता है बेसिकली, तो 1/3 लिख लूंगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने लिए इजी हो जाएगी। अब सर यहाँ से अपन यदि इसका दोनों साइड का अगर क्यूब ले ले तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 10/V2 और 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 10/V2, तो यहां से V2 is equal to जो आएगा वो आ जाएगा 80 लीटर। तो सर इसका मतलब अपने यहां पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। ये रिलेशन याद रखें आपको, PV raised to the power gamma is equal to constant, ये adiabatic reversible process के लिए applicable होता है, ये रिलेशन याद रखें। इसी से ये वाला रिलेशन या कोई भी रिलेशन डिराइव हो सकता है, जैसे अगर आपको प्रेशर हटाना है और टेम्परेचर में रखना है तो अपन को मालूम है PV is equal to होता है nRT, तो यहां से P की जगह पे आप T/V लिख सकते हो, ये T/V और ये V raised to the power gamma is equal to constant हो जाएगा, तो यहां से T V raised to the power gamma minus 1 equal to constant हो जाएगा, और दोनों अलग-अलग फंक्शन की, दो अलग-अलग सिचुएशन की बात करेंगे तो वही T1 V1 वाली, हां ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। चलें सर आगे। बिल्कुल सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। सर ये वही चीज आ गया जो अभी आपने बात, आइसोथर्मल आ गया सर, ओवरऑल बात ये है, और आइसोथर्मल और रिवर्सिबल में बात कर रहा है, जब इसे 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंड किया है, देन व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। सर एंथैल्पी चेंज पूछा है, अगर
आइसोथर्मल प्रोसेस पूछ रहा है, समतापी प्रक्रम पूछ रहा है, तो डेल्टा ई भी जीरो होगा, डेल्टा एच भी जीरो होगा, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है आपको, सीधा आंसर फोर होगा। अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, अपन ने बात भी की थी कि जब आइसोथर्मली की बात करता है तो वो अपना आइसोएंथैल्पिक प्रक्रम, बिल्कुल डेल्टा एच भी जीरो होगा। बिल्कुल, चले सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर एच टू इज, सर इसके लिए मैं बात करूं तो हीट कैपेसिटी अपन सिंपल से एक ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। बिल्कुल सर, तो सर यहाँ पे इसने आज बात कर ली है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो सर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए अपन डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब डी टी जीरो हो जाएगा सर, डी टी क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो हो जाएगा, और यदि सर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो यहाँ वन बाई इन्फिनिटी जो वन बाई जीरो जो होगा वो इन्फिनिटी के बराबर, तो सर अपन को डायरेक्टली ये मिल गया है। सर अपन ये भी बोल सकते हैं यदि इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जगह इक्विलिब्रियम स्टेट की भी बात कर रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट, तो वहां भी अपन जो टेम्परेचर चेंज है उसको जीरो मान लेते हैं, जितने भी फेज कन्वर्जन होते हैं वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होते हैं, तो फेज कन्वर्जन की भी बात करेगा, मतलब वाटर और अगर वेपर दे रखा है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, फेज कन्वर्जन हो रहा है, तो वहां पे भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो डीटी जीरो होगा, और डीटी जीरो होगा तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी आएगी। सर ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वैक्यूम में वर्क डन जीरो की बात करता है, वैसे ही हीट कैपेसिटी की बात करें फेज चेंज हो और जैसा सर ने आपको बताया इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो वहां पे आप बिना देखे डायरेक्टली याद रखें कि जो अपनी हीट कैपेसिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। चले सर आगे। बिल्कुल सर, सर इसमें दिक्कत तब हो जाती है जब यदि जीरो भी ऑप्शन में डाल देता है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर जो ग्राफ की आप बात कर रहे थे, अपन को बोल रहा है द प्लॉट बिटवीन पी एंड वी विच रिप्रेजेंट आइसोथर्मिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस रेस्पेक्टिवली। मेरे को ये पूछा गया है सर, एक तो आइसोथर्मिक बताओ इसमें से कौन सा है, एडियाबेटिक कौन सा है, ठीक है ना, कि मतलब समतापीय कौन सा है और रुद्धोष्म कौन सा है। इस वाले में फर्स्ट वाले में तो ये आइसोबारिक है, ये तो बहुत आसानी से मालूम चल रहा है, समतापीय प्रक्रम है क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। बिल्कुल, और ये प्रेशर वाई एक्सिस है, ये कॉन्स्टेंट चल रहा है तो आइसोबैरिक हो गया। बिल्कुल, इस वाले पे बात करूं फोर्थ वाले में तो इसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो फोर्थ वाला जो होगा वो आइसोकोरिक होगा, सम आयतनी प्रक्रम है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो रहा है सर यहां। बिल्कुल सर, अब अगर मैं बात करूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसका स्लोप चेक कर लेता है, आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, अगर PV is equal to constant होता है तो अपन इसको differentiate करते हैं, partial differentiation, तो ये होगा PdV। बिल्कुल सही बात है सर। Plus U into V का करना, VdP is equal to constant का होगा zero। बेटा ये थोड़ा सा याद रखें जो बायो वाले हैं, सिंपल एक छोड़ के एक का differentiation करते हैं। U into V का करना है फिजिक्स में जैसे करते हुए वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस पे P है और x एक्सिस पे V है, तो dP by dV जो होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, dy by dx जो होता है, तो dp by dv आपको कैलकुलेट करना है, तो dp by dv जो होगा वो हो जाएगा माइनस का p by v। बिल्कुल सही बात, ये स्लोप आ गई आइसोथर्मल की, तो मैं ऐसा बोलूं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल वो होगा माइनस का p by v। बिल्कुल सही बात है। सिमिलर वे में अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करते हो तो एडियाबेटिक में pv रेस टू द पावर गामा हो जाता है, और pv रेस टू द पावर गामा हो जाता है तो आपको इसका वापस क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट अपन को यहां तो ऐसा होगा P को कॉन्स्टेंट रखा तो V रेस टू दी पावर गामा X रेस टू दी पावर N का करना है, तो X रेस टू दी पावर N का होता है N, X रेस टू दी पावर N माइनस 1, तो उसी टाइप से यहां पे आ जाएगा P कॉन्स्टेंट था, यह आएगा गामा V रेस टू दी पावर गामा माइनस 1 dV, प्लस आगे सेम रहेगा, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से स्लोप मिलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस का, गामा इज इक्वल टू माइनस P अपॉन गामा टाइम्स माइनस P बाई V। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, और गामा की वैल्यू एक से ज्यादा है, इसका मतलब कंफर्म है कि एडियाबेटिक प्रोसेस की जो स्लोप आएगी वो हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा होगी। और मैंने अभी बताया था कि जिसकी स्लोप ज्यादा होती है वो वर्टिकल ग्राफ होता है, खड़ा ग्राफ होता है, तो इसका मतलब थर्ड वाला एडियाबेटिक होना चाहिए और सेकेंड वाला आइसोथर्मल होना चाहिए। बस यही पूछा है कि आइसोथर्मल कौन सा होगा, तो आइसोथर्मल तो होगा सेकंड और एडियाबेटिक होगा थर्ड, तो अपना आंसर हो गया फोर्थ हो जाएगा। चलिए सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं अपन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव।
लास्ट दो ईयर से, लास्ट टू ईयर से ये क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, और चार प्रोसेस लिख देता है वो, यहाँ पे रिएक्शन लिख रखी है। तो सर रिएक्शन की जब भी बात करते हैं तो अपन एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एनजी चेक कर सकते हैं सर। एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि रेंडमनेस कितनी है, अव्यवस्था कितनी है, यादृच्छिकता कितनी है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जब ज्यादा होगा तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो या नंबर ऑफ मोल बोलो, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी ज्यादा होगी। एक तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में बात करें तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अपन बोलते ही है गैस में पार्टिकल रेंडमली मूवमेंट करता है, गैस, उसके बाद आएगा लिक्विड और उसके बाद आएगा सॉलिड। सॉलिड में अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल वे में, पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, इसलिए वहां पे रेंडमनेस सबसे कम होगी, एंट्रोपी सबसे कम आएगी। ठीक है, एक तो ये चेक कर ले। सेकंड नंबर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर फिजिकल स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और आपसे दूसरे वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस समय ध्यान रखें, जितने ज्यादा गैस के मोल बढ़ेंगे, डेल्टा एनजी जितने ज्यादा गैस के मोल बढ़ेंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, सिंपल सा कंसेप्ट इसका ये रहेगा। तो सर अब चारों ऑप्शन में मैं एक बार डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लेता हूं। आपको तो ओवरऑल ये चेक करना गैस के मोल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या किस साइड में ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे अपन ने यहाँ पे ये बात की, यहाँ पे गैस के मोल 2 है, यहाँ पे गैस के मोल 2 है, चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को एंट्रोपी इंक्रीजिंग पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन में इधर गैस के मोल 2 है, इधर गैस का मोल उल्टा 0 हो गया, तो कम हो गया, गैस के मोल कम हो गए, तो यहाँ तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी उल्टा। अपन से पॉजिटिव पूछा है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की सर अपन बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास गैस के मोल 0 है, राइट हैंड साइड में गैस के मोल 3 है, इसका मतलब सर लेफ्ट से राइट जाने पर मोल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ एंट्रोपी भी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो सर अपना आंसर तो थर्ड आ रहा है, एक बार फोर्थ ऑप्शन पे अपन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में इधर गैस का मोल 1 है और इधर गैस का मोल 1 भी नहीं बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, तो इधर भी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब सर अपना ये फोर्थ भी नहीं होगा। तो सर अपन को यहां से एंट्रोपी का कांसेप्ट भी पता लग गया है, डिस्कस कर लिया है कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, यादृच्छिकता की बात कर रहे हैं, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में उससे ज्यादा होगी। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एनजी देख लो, या जैसा सर ने बताया जिस साइड गैस के मोल बढ़ेंगे वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर एंट्रोपी कैलकुलेशन भी आ जाए, ये तो जनरल अपन ने बात कर ली, एंट्रोपी होती क्या, बेसिकली एंट्रोपी जो होती है वो रैंडमनेस होती है, और गैस लिक्विड सॉलिड में ही आएगा, और गैस के मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है डेल्टा एस, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी रखना है आपको। बिल्कुल सर, ये अपने पास आगे क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा। आपको किसी भी का फॉर्मूला रट्टा नहीं मारे कि आपको एंट्रोपी के फॉर्मूले रट्टे मार रहे, बिल्कुल नहीं, आप तो ये चेक करें क्यू रिवर्सिबल आएगा कैसे। जैसे मैं एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को अगर कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करना है या क्यों चाहिए, तो अगर मेरे को डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो क्यों चाहिएगा। जैसे मेरे को बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में भी मेरे को ऐसा बोल दिया रिवर्सिबल है, जैसे मान लिया, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं अप्लाई करूं सर, तो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आइसोथर्मल में डेल्टा ई 0 होता है, तो क्यू बराबर माइनस का डब्ल्यू आएगा। W आप पहले बोल चुके हो कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, तो माइनस का 2.303 एनआरटी लॉग 10 बेस पे V2 बाई V1 होगा, या V फाइनल अपॉन V इनिशियल होगा, तो Q जो होगा इसका माइनस हो जाएगा, Q जो होगा वो इसका माइनस हो जाएगा। अगर Q इसका माइनस हो गया तो मैं यहां पे पुट करूं तो फॉर्मूला ये बनने वाला है सर, डेल्टा एस बराबर 2.303 NRT log V final upon V initial upon temperature पड़ा है, तो T से T cancel हो जाएगा, final formula बन जाएगा 2.303 NR log V final upon V initial। तो बेटा ये अपन ने देखा isothermal reversible process में entropy change कैसे निकालता है। Basically जो सर ने अभी आपको work done reversible और irreversible process में isothermal के लिए बताया था, वो यदि आपको ध्यान है तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां बस आपको तो ये ध्यान रखना क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, आप तो ये ध्यान रखो क्यू कैसे कैलकुलेट होता है, आप जैसे ही क्यू कैलकुलेट कर लोगे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलें सर आगे। बिल्कुल सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, फॉर एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन ए चेंज इनटू बी द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट। तो सर इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अपने पास एक तो रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, सही बात है सर,
और सर यदि अपन इक्विलिब्रियम पे गिब्स एनर्जी इक्वेशन की बात करें तो हमको ये पता है वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू। क्यू अपना यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैं चला जाऊं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी तो हो जाएगा जीरो और क्यू अपना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैं डेल्टा जी को जो बोल सकता हूं डेल्टा जी नॉट जो मेरे को रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। और यदि यहाँ पे मैं बेस 10 पे बात नहीं करूं तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम। सही बात है सर? यदि अपन को बेस 10 पे बात नहीं करनी है तो अपन बेस ई पे बात करेंगे तो ये हट जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट का जो एक रिलेशन आया वो अपने पास ये आया। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करूं तो मेरे को क्या मिलेगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सही बात है सर? बिल्कुल सर। यहां से मैं एल एन के इक्विलिब्रियम मेरे को चाहिए तो मैं माइनस आर टी का पूरी रिएक्शन पूरे में डिवाइड लगा देता हूं। तो जैसे ही माइनस आर टी का डिवाइड लगाया तो अपन को मिलेगा एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस आर टी का डिवाइड लगाया है तो ये होगा डेल्टा एच नॉट अपॉन माइनस आर टी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। सही बात है क्या सर? तो या तो ये अपन डेरिवेशन करें हर बार या थोड़ा सा यदि ध्यान रखें तो अपन को इतना टाइम इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। अब यदि अपन इसमें ग्राफ बनाए लॉग के अपना वाई एक्सिस हो गई और वन अपॉन टी अपना एक्स एक्सिस हो रहा है तो यहाँ पे सर ये तो y आ जाएगा और 1 upon t जो है अपने पास वो आ जाएगा x। तो अपन से यहाँ पे minus mx plus c का ग्राफ बनेगा। बेसिकली अपन को डेल्टा s नॉट पूछा है। बिल्कुल। तो सर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले। तो सर जैसे ही कंपेयर किया अपने पास तो अपन को मिला है डेल्टा s नॉट अपॉन r। यही बात कर रहे हैं अपन। ये सर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाएगा। तो सर यहाँ से अपन सिंपल बोल सकते हैं जो डेल्टा s नॉट आएगा वो अपना r आएगा। यहाँ पे ये भी याद रखें कि R की वैल्यू कई बार नहीं देखे कैलोरी जूल की बात करें तो वो आपको पता होनी चाहिए कि जूल में तो 8.314 कंसीडर करते हैं और कैलोरी में अपन 2 कंसीडर करके चलते हैं। तो सर इसका अपने पास आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चले सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की अपन बात करें फॉर अ केमिकल रिएक्शन द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन इज। सर हमको डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है और रिएक्शन की नेचर पूछ रहा है तो मैं सर इसमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ओवरऑल ये बोल सकता हूँ सर इन्होंने ये बात बोली कि ये अभिक्रिया होगी कैसे और इसमें 2-3 वर्ड लिखे हुआ है। एक तो लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, एक लिखा हुआ है नॉन स्पॉन्टेनियस और एक लिखा है इक्विलिब्रियम। मैं पहले यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हुए उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वर्ड लिखे एक तो लिखा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी होती है जो या तो अपने आप हो जाए या फिर एक बार उसे आप इनिशिएट करवा दो। अपना आप तो नहीं हो रही बट एक बार इनिशिएट करा दो फिर हो जाएगी लेकिन उसकी फेवरेबल कंडीशन मिले उसको एटलीस्ट। ठीक है जैसे पानी ऊपर से नीचे अपना आप आएगा आप कुछ भी मत करो पानी ऊपर से नीचे अपना आप आएगा स्पॉन्टेनियस है। जैसे अगर बर्निंग ऑफ कोल है अगर आप कोयले को जलाते हो तो वो अपना आप तो नहीं जलता है पहले उसे एक बार आप जला दो उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू दे रहे हो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी कि ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो वो अपने आप हो जाएगा तो उसे बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस। जितने भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। जितने भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल। पानी ऊपर से नीचे आएगा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा वो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क डन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकेंड आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं या फिर एक बार इनिशिएट कर दिया तो भी नहीं होगा। अगर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है तो एक ही तरीका है आपको एक्सटर्नल वर्क डन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो ये बात हुई। अब अपन को चेक करना कि अपन को आइडिया कैसे चलेगा कि अभिक्रिया स्वतः है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो स्पॉन्टेनियस पूरी केमिस्ट्री में अगर बात करें स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो डेल्टा एस टोटल की बात कर रहा हूं टोटल एंट्रोपी तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब मैं ऐसा बोलता हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है बेसिकली ये। इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी स्वतः प्रक्रम में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो स्वतः प्रक्रम बोला तो एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस टोटल ब्रह्मांड बोला है सर मैंने ब्रह्मांड का मतलब ये हो गया टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब स्वतः प्रक्रम। बेटा ये जरूर याद रखें सबने ब्रह्मांड बोला ये नहीं सोचे कि सर यहां पे मैंने सिस्टम नहीं बोला है ये ध्यान रहे ये टोटल है
लेकिन टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है सर, यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अपन हमेशा सिस्टम पे गौर करते हैं, सिस्टम के लिए अपने पास डेल्टा एस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली। सेकंड तरीका ये है अपने पास कि डेल्टा जी जो है, अब अपन बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो डेल्टा जी सिस्टम जो हो जाए अगर वो लेस देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करना इजी टास्क है एज कंपेयर टू टोटल के। तो आप तो डेल्टा जी सिस्टम के ऊपर अपन को हमेशा ध्यान रखना, दो तो ये होगी। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन वन दे रखा हो। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट अगर ग्रेटर देन वन दे रखा है, ये एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, R कन्वर्ट हो रहा है P, अगर K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन है इसका मतलब P ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R के, अगर P ज्यादा बन रहा है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, तो ये फॉरवर्ड के सेंस में जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि आपको KC और QC के रेस्पेक्ट में अगर आपको रिलेशन दिया जाए और फिर पूछ सकता है बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होगी, तो उस कंडीशन में अगर अपन ऐसा बोले कि रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जानी चाहिए, अगर ये क्यूसी रखूं ये केसी रखूं तो जाना केसी की तरफ है, तो इधर गया इसका मतलब फॉरवर्ड जाऊंगा, तो मैं ऐसा बोल दूं केसी की वैल्यू अगर क्यूसी से ज्यादा है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये चार कंडीशन अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो उसमें एक कंडीशन और आने वाली है, डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा माइनस का डब्ल्यू के बराबर होगा। अगर माइनस के डब्ल्यू के बराबर होता है तो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के वोल्टेज को ई बोलते हैं, और वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है, वोल्टेज की जो डेफिनेशन होती है ई, वो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य, इकाई आवेश को, तो ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू। क्यू जो होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक फेराडे होता है, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा एन फेराडे, तो डब्ल्यू की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का एन एफ ई, ये आ गया। तो डेल्टा जी माइनस के एन एफ ई के बराबर हो गया। अगर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो ई अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए, ई पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव तो आगे आ गया, नंबर ऑफ मोल एक दो तीन चार पॉजिटिव होता है, F96500 कूलम में पॉजिटिव है, इसका मतलब ई सेल पॉजिटिव हो। ये पांच कंडीशन है, इसमें से आपको कोई भी मिले तो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस हो गया। ओवरऑल बात तो ये होगी सर स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। तो सर यहाँ पे यदि अपन बात करें, अपन को डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है, तो अपन डेल्टा जी के बेसिस पे अकॉर्डिंग में बात कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे मैं सिंपल दोनों में रिलेशन बात करूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, सर मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे सर मैं यदि बात करूं तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज मुझे दिया है -2.5 × 10⁻³ कैलोरी, सही बात है सर, बिल्कुल। टेम्परेचर की बात करूं 298 केल्विन हो गया, टेम्परेचर दिया है हमको 298 केल्विन, जो 25 डिग्री सेल्सियस दिया उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा एस आपको दिया है 7.5 दिया है, तो बेटा यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं करना सर, पूरा नहीं करना, प्लस माइनस साइन देखना है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अपन को डेटा से मतलब नहीं है, प्लस माइनस साइन से मतलब है। इसे मैं अराउंड 300 मान लूं एक बार, तो 300 के अकॉर्डिंग बेटा अपन ये देखें तो ये तो अपने पास कितना आएगा सर, ये नेगेटिव वैल्यू है -2500 और ये आगे वाली भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होगा तो नेगेटिव ही आएगा। तो सर ओवरऑल अपन ये बोल देंगे जो डेल्टा जी अपने को मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, डेल्टा जी नेगेटिव, जैसा आपने बोला डेल्टा जी सिस्टम का यदि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होने वाला, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा जी के यहाँ कैलकुलेशन का कोई रोल ही नहीं है, आपको तो ओनली फॉर नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। कैलकुलेशन आप करते भी हो तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि अपन को डेटा से कोई इधर लेना देना नहीं है, अपन को साइन के अकॉर्डिंग जैसा सर ने बताया वो देखना है कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि डेल्टा एच और डेल्टा एस देगा तब तो अपन डेल्टा जी के बेसिस पे देखेंगे, और कोई केस आता है तो अपन को पहले इन पांच केसेस में देखना पड़ेगा कि अप्लाई कौन सा करना है। तो सर मेरे ख्याल से इसके साथ अपना स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंप्लीट है, बिल्कुल। और सर नॉन स्पॉन्टेनियस बात करें उसमें अपन इतना डिटेल में जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस में ये सारी कंडीशन रिवर्ट हो जाती है, कंडीशन की बात करो तो बिल्कुल सर वहां पे ये सारी कंडीशंस रिवर्ट होते ही अपना वो क्लियर हो जाएगा। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन ए चेंज इनटू बी इज -1500 किलोजूल, तो सर अपन को ये पता लग गया डेल्टा जी अपने पास यहां पे नेगेटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। Which of the following statement is false? पहली बात तो बेटा यहाँ पे false पूछा है, true नहीं पूछा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
तो अपन को यहाँ पे जैसा सर ने बताया डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग अपन को बात करनी है। तो बेटा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसका मतलब ये ऑलरेडी ए से बी की साइड जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। साथ में ये रिएक्शन यदि फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब बी ए के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। मैं ओवरऑल ये बात बोल दूं सर, इसके अंदर जो ऑप्शन लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। कभी भी थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताएगा कि रिएक्शन जो है वो फास्ट है या स्लो है। रिएक्शन फास्ट या जो स्लो है वो तो केमिकल काइनेटिक्स बताता है। थर्मोडायनेमिक्स ओनली फॉर स्टेबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल है तो इसका मतलब कितना अमाउंट बनना चाहिए या कितना नहीं बनेगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ बात करेगा, स्ट्रेंथ की तरफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताने की ट्राई करता है कितना अमाउंट बना होगा या कितना अमाउंट लेफ्ट रहा होगा। और काइनेटिक्स ये बताता है कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, रेट के लिए बताता है। बिल्कुल। काइनेटिक्स कभी ये नहीं बता पाता कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अपन से तो ये पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और डेल्टा जी दे रखा है। तो अपन पहला अगर ऑप्शन की बात करें कि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंचती है तो ए अत्यंत कम होगा। अगर मैं ये बोलूं कि ए से बी की तरफ गई है इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है इसका मतलब जो रिएक्शन है वो हाईली फॉरवर्ड में गई हो, तो इसका मतलब ए कम हो गया होगा और ए बहुत कम हो गया होगा और बी बहुत ज्यादा हो गया। तो अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंचती है तो ए अत्यंत कम होगा, ये बिल्कुल सही है सर। और वैसे यदि अत्यंत नहीं बोलता तो अपन साम्य अवस्था पे ये पढ़ के आए इक्विलिब्रियम पे कि इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, तो ये सही है लेकिन अपना ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अपन को रॉन्ग पूछा है, तो अपन ये हटा देते। सेकंड अपन को बोलता है अभिक्रिया स्वतः है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो अपना ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि करेक्ट है, हमसे नॉट ट्रू पूछा है। अभिक्रिया ताक्षणिक है, अत्यंत तीव्र है, ये आइडिया नहीं है सर अपन को। ये अपन के इक्विलिब्रियम पता होता तब तो फिर भी बात करते। हाँ लेकिन तो भी सर ये बताना डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि ये अभिक्रिया ताक्षणिक है या नहीं ये काइनेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो डेल्टा जी से तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। हाँ, तो सर यहाँ पे अपना ये असत्य कथन है, पॉजिटिव यही आंसर अपना होना चाहिए। फोर्थ अपन बात कर ले फिर भी, B is very stable product as compared to A. सही बात है क्योंकि डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है जैसा आपने बताया, तो रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपने ये बोला कि A अगर कम होगा, अगर A की कंसेंट्रेशन कम होगी और B की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी अगर फॉरवर्ड में गई है, B बन रहा है तो इसका मतलब स्टेबल होगा तभी बनेगा। बिल्कुल सही बात है। B बन रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जा रही है, तो B is very stable as compared to A. फोर्थ भी राइट है सर। तो सर फोर्थ भी अपना राइट है, तो सर अपना आंसर इसका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो गया सर। सॉरी, रिएक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस। हाँ, ये रॉन्ग है, तो अपना रिएक्शन फॉल्स पूछा है तो अपना थर्ड ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलें सर आगे। बिल्कुल। Which of the following thermodynamic property must be associated with a reaction found to be spontaneous at high temperature but not spontaneous at low temperature? तो सर अभी अपन ये सारा आप समझा के आए थे spontaneous process में, तो सर अपन जब डेल्टा एच डेल्टा एस की साथ बात कर रहे हैं तो या तो पांचों कंडीशंस को याद रखें, बिल्कुल, या फिर सर अपन जो डेल्टा जी वाली कंडीशन है रिएक्शन लिख के भी अपन साइंस के बेस पे देख सकते हैं। बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करना चाहूँ तो इसने बोला है कि कौन सी अस्वत होगी, मतलब जो स्वतः नहीं होगी वो अपना आप अस्वत हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसके लिए सर दो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्चुअल में दो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो उसको अपन ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं बेसिकली। ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके पीछे कोई दो फोर्स ऑपरेट करता है, ड्राइविंग फोर्स। इसमें से फर्स्ट जो होता है वो ये होता है कि एक तो होता है कि एनर्जी को डिक्रीज करने वाला फोर्स। बिल्कुल। अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज की तरफ जानी चाहती है। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए सर, मैं ये नहीं बोला होगी होगी, डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ में फैक्टर डेल्टा एच और इनके भी साइन डेल्टा एच का नेगेटिव साइन इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, नॉट ओनली वन, एक ड्राइविंग फोर्स है परंतु एकमात्र नहीं है। अगर दूसरे फैक्टर की बात करूं, ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया, अगर मैं दो गैस के चैम्बर लू आइसोलेटेड है और उनको एक नली के थ्रू कनेक्टेड करूं और नली को जब ओपन करता हूं तो गैस आपस में मिक्स हो जाती है। गैस आपस में मिक्स हुई तो उसकी रेंडमनेस बढ़ी है और मेरे को मालूम है रेंडमनेस जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है डेल्टा एस। इसका मतलब डेल्टा एस बढ़ना चाहिए, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था सर, ये जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एच का कोई रोल नहीं था।
अगर डेल्टा एच का रोल हो जाएगी तो ये दोनों फैक्टर एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो मैं ओवरऑल ये बोल लूं कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ये दोनों एक साथ फैक्टर आएगा तो 100% रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। इसमें टेम्परेचर वगैरह की और कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और आपको 100% अगर नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए, आपको 100% नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए, आप चाहते ही नहीं हो कि टेम्परेचर का क्या रोल हो, तो स्पॉन्टेनियस की जस्ट रिवर्ट कंडीशन डाल दे, डेल्टा एच पॉजिटिव हो या फिर डेल्टा एस नेगेटिव हो, आपको यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन दे रखी है सर, इसका मतलब ये दो केस तो नहीं लगेंगे। तो सर अपन को फिर वो गिब्स एनर्जी इक्वेशन वाले पे चलना पड़ेगा, डेल्टा जी वाले पे आना। तो सर डेल्टा जी अपन बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आएगा। यहाँ पे अपन को हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों अलग अलग केसेस में अपन को बात करनी पड़ेगी। सपोज अपन यदि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर की बात करें, मान लीजिए अपने पास डेल्टा एच नेगेटिव है, अपन ये मान के चल रहे हैं सर कि डेल्टा एच अपने पास नेगेटिव है, एक तो ये केस मान लेते हैं। टेम्परेचर हाई है, हाई का मतलब मान लीजिए अपने 1000 केल्विन ले लिया है एक एग्जांपल के तौर पे, और डेल्टा एस मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव ले लिया, टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो ये भी सर अपने पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव में नेगेटिव एड होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी सर रिएक्शन में सर आप, हाँ चलिए सही है रो। तो सर इस रिएक्शन में अपन बात करें तो डेल्टा जी ओवरऑल अपन को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। ये तो सर यही वाली केस होगी, आपने कहा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसमें तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं, ये रिएक्शन तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है। लेकिन सर इसमें डिपेंड करेगा कि यदि टी का टेम्परेचर की क्या वैल्यू है और डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो सर यदि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा दोनों से तो अपन क्या बोल देंगे, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब सर यदि क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर तो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ये पूछा गया है। हाँ सर, तो सर अब इसमें अपन क्या करें, कंडीशंस को यदि अपन चेक करें तो सर अपन को ये पता लग रहा है, यदि यहाँ पे सर मैं टेम्परेचर लो भी ले लेता हूँ और डेल्टा एस को मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ सर पॉजिटिव था पहले, यहाँ अपने पास डेल्टा एस पॉजिटिव था, यदि टेम्परेचर को मैं लो भी ले लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा। अब अपन सर इसके दोनों के यदि मान लीजिए डेल्टा एच अपना नेगेटिव है, डेल्टा एस को भी सपोज मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तो सर डेल्टा एस को मैं यदि नेगेटिव करूं, ये तो अपन ने कर दिया है नेगेटिव, डेल्टा एस को भी मैंने कर दिया है नेगेटिव, अब सर क्या बोलते हो यदि ये नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने के चांसेस है सर यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा आएगी तो डेल्टा जी ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रही है, जबकि अपन को बोला उच्च ताप पर स्वतः होना चाहिए, ये सही नहीं हो सर। तो सर इसका मैं उल्टा कर दूं, रिवर्ट करें फिर, तो सर रिवर्ट कर दूं तो मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा एच को क्या कर दें अपन, पॉजिटिव कर दें और डेल्टा एस को क्या कर दें, पॉजिटिव कर, पॉजिटिव करें। सर आप इसको चेक करें तो अपन डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आगे साइन जाके नेगेटिव होने वाला है, तो टेम्परेचर हाई होगा तो टी डेल्टा एस का टर्म बनने वाला है, वो ज्यादा बनेगा नेगेटिव में, तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस है, और डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब अपना प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, और अपन को वही चाहिए, उच्च ताप पर स्वतः चाहिए, और यदि अपन ने पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव चाहिएगा, और यदि अपन ने टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया तो नेगेटिव वाला पार्ट अब कम हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब लो टेम्परेचर पे अपना जो प्रोसेस आ जाएगा वो डेल्टा जी पॉजिटिव बनने वाला है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपन कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, थर्ड आंसर करेक्ट होगा, तो सर अपना थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर मैं ओवरऑल बात ये करना चाहूँ तो ओवरऑल बात मैंने ड्राइविंग फोर्स की कर ली है, तो अगर मैंने ये बोला है कि अगर डेल्टा एच जो है वो अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर की कोई कंडीशन ही नहीं है फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। अगर इसका रिवर्ट कर देता हूं, डेल्टा एस पॉजिटिव रखता हूं, डेल्टा एस अगर नेगेटिव रखता हूं तो ये तो उल्टी कंडीशन कर दी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मैंने डेल्टा एच को सर पॉजिटिव रखा और डेल्टा एस को भी अगर पॉजिटिव रखा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस, तो हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस। सिमिलर वे में अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर जो है वो स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस।
तो सर अपन ये पूरा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन, दो कंडीशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी दो कंडीशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। चले सर आगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ ए टू प्लस थ्री बाई टू बी टू चेंज इन टू ए बी थ्री फॉर दिस डेल्टा एच दिस वन एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर ए टू बी टू ए बी थ्री इज दिस वन देन द अबव रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम एट। तो सर पहले मेरे को यहाँ पे ए बी जो भी अपन को रिएक्शन दी है उसमें एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी निकाल लो रिएक्शन, मतलब डेल्टा एस रिएक्शन की कैलकुलेट कर। तो सर डेल्टा एस रिएक्शन की बात करूं तो मैं ये बोलता हूँ एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, सही बात है सर। तो हमेशा डेल्टा जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल, फाइनल में प्रोडक्ट बनता है और इनिशियल में रिएक्टेंट होता है। अब सर यदि अपन बात करें तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ वन मोल है और वन मोल के लिए 50 है, तो ये मैं बोलता हूँ वन इंटू 50। ये यूनिट का ध्यान रखे, पर मोल दे रखिए सबसे बड़ी बात। तो सर मोल्स के लिए मोल्स की अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। रिएक्टेंट की बात करें तो हाफ मोल ए टू तो 60 थी, हाफ इंटू 60 प्लस बी की बात करें 3/2 मोल है तो 3/2 इंटू 40, सही बात है सर। बिल्कुल सर, यहां से सर देखें तो ये तो आएगा 50 माइनस ये आएगा 30 प्लस 60, तो सर यहां से अपन बात करें तो ये माइनस 40 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी सर इसकी जूल पर केल्विन पर मोल रिएक्शन के। यस, जूल पर केल्विन पर मोल आ गई सर ये। ये तो डेल्टा एच आ गया। अब सर यदि डेल्टा एच की बात करें, डेल्टा एच डेल्टा एच नहीं बने तो सर अपने पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बिल्कुल यही होगी। अगर मैं यहाँ पे मेरे से ये पूछा है कि अभिक्रिया कहाँ पे साम्य अवस्था में होगी, तो साम्य अवस्था का मतलब डेल्टा जी जीरो रखना है, डेल्टा जी अगर जीरो रखूंगा तो डेल्टा एच जो होगा वो टी डेल्टा एस के बराबर होगा। टेम्परेचर पूछा है तो इसका मतलब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। तो सर यहाँ पे यदि मैं वैल्यूज को पुट करूं तो यहाँ पे बात करें अपन डेल्टा एच की, वो तो है माइनस 20 किलो जूल है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और डेल्टा एस की बात करूं ये अपना माइनस 40 है, तो सर यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें तो ये 500 केल्विन पे अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो सर इसका मतलब अपना ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, इफ डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 3.6 किलो जूल पर मोल एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट बीपी इज 177 डिग्री सेल्सियस देन द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इन जूल पर केल्विन। सर जैसा ही अभी आपने बताया था डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज वो क्यू अपॉन टी होता है डेल्टा टी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा एस जो होगा तो डेल्टा एस यहां पे वेपोराइजेशन के लिए, तो मैं ये बोल दूं कि क्यू वेपोराइजेशन में मैंने कितनी दी अपॉन टेम्परेचर, यहाँ पे वेपोराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो टी बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहिए बेसिकली मेरे को। क्यू वेपोराइजेशन जितने भी फेज कन्वर्जन होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगी वो डेल्टा एच हो जाएगी। बिल्कुल सही, तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर और वो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो सर ये डेटा मेरे को दोनों पड़े। तो सर यहाँ पे सिंपल यदि मैं दोनों की वैल्यूज को पुट करूं तो डेल्टा एच आ जाएगा, ये आएगा 3.6 किलो की बात कर रहा है तो 1000, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है तो 273 ऐड इसमें करना पड़ेगा, तो सर ऐड करेंगे तो आई थिंक 450 केल्विन आना चाहिए, 450 आ जाएगा। तो सर यहां से अपन ने इसको 450 किया, यहां से ये थोड़ा सा सर इसको अपन सॉल्व कर ले तो सर ये 8 आ रहा है क्या, 8 आ जाएगा। तो सर इसका मतलब अपना सर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए और इसका अपन को पता है जून में ही अपन ने कैलकुलेट किया, बिल्कुल, तो अपने पास इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले सर आगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर। तो सर ये वही आ गया जो एंट्रोपी का अभी अपने पीछे बात की, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी लगाना है आपको, तो सर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और अपन ने जैसा अभी आपने बताया था डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है तो डेल्टा ई आइसोथर्मल के लिए जीरो आएगा। बिल्कुल, ये इसने बोला संतापी है और आगे एक वर्ड और बोल दिया रिवर्सिबल और है, तो सर तो रिवर्सिबल का वर्कडन अपने पास है, तो सर रिवर्सिबल का वर्कडन अपन को पता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल होता है, सही बात है सर। बिल्कुल सर, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सर यहाँ से मैं यदि डेल्टा s की बात करूं तो वो q रिवर्सिबल अपॉन t की बात करेंगे अपन, तो वो हो जाएगा 2.303 n r t से t से हो जाएगा log v फाइनल अपॉन v इनिशियल आएगा, सही बात है सर। यहाँ पे यदि अपन इनकी वैल्यूज को पुट करें तो 2.303 मोल्स की बात करें एक मोल है तो अपन को 1 मोल दिया है, आर जूल में बात कर रहा है तो 8.314 की बात करेंगे, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल
log 10 से 10 गया है तो 10 अपॉन 1 आ जाएगा और log 10 अपॉन 1 सर अपना 1 हो जाएगा, ये अपना बना जाएगा अल्टीमेटली 2.303 into 8.314 बन गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका रफली आइडिया जो है वो 20 होता है, 20 से थोड़ा आपको कम रखना होता है, कम रखना होता है तो 20 से थोड़ा कम, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये गया, 20 से थोड़ा कम रखना है, 14 के आसपास नहीं पहुंचना, 19 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सर ये सिंपल अपन ने एंट्रोपी के अकॉर्डिंग वर्किटन की बात, आपको एंट्रोपी के कोई भी फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको क्यों रिवर्सिबल कैलकुलेट करना आना चाहिए ओवरऑल सर। ओके तो सर अपने आज के थर्मोडायनेमिक्स वाले अपने लगभग जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ था, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जरूर यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं आए, मैंने स्टेटमेंट दोनों के बोले, मैथमेटिकल फॉर्मेट दोनों के लिखे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी की बात और एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस चाहे अपन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करें, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, चाहे आइसोथर्मल, इन सब की बात हुई है सर इस वाले चैप्टर में, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की बात होगी, कौन सा प्रोसेस होके जाएगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ, मतलब पूरे चैप्टर को अपन ने यहाँ पे एंटायर कवर करने की ट्राई की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप इसके बाद में अगर देखोगे नीट 2013 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन तो आपको लगेगा इसके आसपास ही कहीं बना हुआ है, मतलब अपन ने उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को डील कर लिया है। अब अपन जो नेक्स्ट 11th वाले में बात करेंगे उसमें अपन थर्मोकेमिस्ट्री वाले को उठाएंगे, जिसमें अपन जो रिएक्शंस वाला पार्ट है और जो प्रोसेस है उनकी बात करेंगे। बिल्कुल सर, तो आज के लिए इतना काफी है, आप अपने सीएलसी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशन आती रहे। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।